चाहते हो कि आप इन चीजों पर गौर कीजिए। एक तो लोगों को नौकरी देश भर में अब नहीं मिल पा रही है, और जहां नौकरियां है वहां से छटनी हो रही है, और जहां आप नौकरी देने की बात वादा भी करते हैं लेकिन इस तरह का नियम कायदा बिल्कुल अव्यवस्थित बनाते हैं कि लोगों को आवेदन करने में इतनी परेशानी हो रही है। कुल मिला जुला कर बिल्कुल अराजकता की स्थिति है शिक्षक नियोजन के मामले में। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य सरकार को गरीब लोगों की शिक्षा रहे या समाप्त हो जाए इसकी कोई रुचि नहीं है, नौजवानों का भविष्य रहे या बर्बाद हो जाए इस पर उनकी कोई सोच नहीं है, कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। अराजकता के दौर में सारी चीजें चल रही है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि भाई अब तो आपको कम दिन रहना है, लगभग साल भर की आयु आपकी है सरकार की, वो अगले साल तो आप जाने ही वाले हैं, बुढ़िया बिस्तर समेट रहे होंगे हमको मालूम है, लेकिन फिर भी अभी तो एक साल आपकी ड्यूटी बनती है कि बुढ़िया बिस्तर आप समेटिए, समेटना तो पड़ेगा ही, जो रवैया आपने अख्तियार किया है अब 15 वर्षों में जहां बिहार को लाकर खड़ा किया है अब तो आपसे कोई अपेक्षा बची नहीं है, तो आप तो जाने वाले हैं, लेकिन जब तक है तब तक और बर्बाद मत कीजिए, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ। तो विशेष रूप से यही विषय था जिसके लिए मैंने आपको कष्ट दिया, बहुत धन्यवाद। भैया जो स्थिति है शिक्षा की, अभी तो लोग काले झंडे ही दिखा रहे हैं। बिहार के लोग बहुत धैर्य वाले लोग हैं, बहुत पेशेंस वाले लोग हैं, इसलिए लोग बर्दाश्त किए होंगे, वरना अभी तक तो आक्रोश जितना लोगों के अंदर में है, अगर लोग उस आक्रोश को अपने अंदर समेट कर रखने वाले बिहार के लोग नहीं होते तो क्या से क्या हो जाता बिहार में। तो नौजवानों के साथ तो हम कह ही रहे हैं कि बिहार की सरकार ही खुद सीधे उनके भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, तो कई उदाहरण आपको मिलेंगे इस तरह के।